हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के एक ऐसे अलौकिक मंदिर के बारे में जहां जाते ही किसी भी प्रकार के विषैले सर्प का विष स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं। ये मंदिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है और यही वो गेट है जिससे होकर के आप इस मंदिर के प्रांगण में जा सकते हैं। ये वो शई नदी है जिसके किनारे ये मंदिर बना हुआ है जिसे आप देख रहे हैं। यही वो श्री आस्तिक स्वामी का अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर है जहाँ जाते ही किसी भी तरह के विषैले सर्प का विष स्वतः ही यहाँ आकर नष्ट हो जाता है, जिसके तार द्वापर युग से भी जुड़े हुए हैं, जिसके इतिहास में राजा परीक्षित का भी नाम आता है। ये श्री आस्तिक स्वामी का मंदिर के अंदर का गर्भगृह है जिसे आप देख रहे हैं और ये वो अलौकिक जगह है जिसके बारे में मान्यता है कि इस मंदिर के सारे चमत्कार इसी जगह से होते हैं। ये आस्तिक स्वामी का मंदिर जो आप सामने देख रहे हैं और यही वो जगह है जहाँ पर सर्प के काटे हुए व्यक्ति को लिटाया जाता है और आस्तिक स्वामी की विभूति को उसके शरीर पर लगाया जाता है जिससे वो सर्प के विष से मुक्त हो जाता है। और ऐसे केस यहाँ पर लगभग आते ही रहते हैं। अभी हम इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे इस मंदिर के बारे में कई सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि ये मंदिर क्यों इतना प्रभावशाली है और इतना चमत्कारिक क्यों है। तो पंडित जी, अभी हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे ये आस्तिक स्वामी का ये जो मंदिर है वो क्यों प्रभाव में आया और इसका इतिहास क्या है। लोगों जब श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे तो जो सर्प के डसे हुए, जो मेन बात ये है कि जो सर्प के डसे हुए लोग आते हैं उनका यहाँ फायदा हो जाता है और फायदा होने के बाद कुछ करते नहीं, यहाँ केवल मंदिर के सामने लिटा देते हैं और यहीं की भभूत जो होती है वही लगाई जाती है शरीर में, बस उनकी दुहाई आस्तिक दुहाई आस्तिक दुहाई आस्तिक का नाम लेते हुए वो नशा मुक्त हो जाता है, उससे वो श्रद्धालु जो कष्ट से पीड़ित होता है वो एकदम सही हो जाता है। सही होने के बाद मंदिर की परिक्रमा करता है, करने के बाद वो अपने स्वस्थ होकर अपने घर चला जाता है। पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे इस मंदिर का इतिहास द्वापर युग से कैसे जुड़ा है। ये महाभारत काल की बात है। राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काट लिया तो उसको काटने के बाद जन्मेजय ने एक सर्वविनाशक यज्ञ करवाया, तो करवाने के बाद सारे सर्प जो है हवन कुंड में गिरने लगे। गिरने के बाद श्री आस्तिक स्वामी आकर उनसे प्रार्थना की
कि ये सर्पविनाशक यज्ञ बंद कर दो। तो जब सर्प बच गए तो नागों के राजा ने वरदान दिया था कि आपका जहाँ नाम लिया जाएगा वहाँ हम अपना विष मुक्त कर लेंगे, तभी से ये मंदिर। पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे इस मंदिर की विशेष बात क्या है? जो श्रद्धालु आते हैं सर्प के डसे हुए, तो इसी प्रांगण में जैसे ही आ जाते हैं, गेट इस पार आ जाते हैं, तो आने के बाद उनको लिटा दिया जाता है, दुहाई आस्तिक की, दुहाई आस्तिक के कहने के बाद वो सही हो जाते हैं। यहाँ की भभूत लगा दी जाए वही भभूत है, उसके बाद कष्ट जो है अच्छा हो जाता है कष्टी को, उसके बाद वो उठ के दर्शन करने लगता है। जैसा कि आपने मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उन्होंने आपको बताया कैसे इस मंदिर के तार द्वापर युग से जुड़े हैं और कैसे यहाँ पे एक सर्प का काटा हुआ व्यक्ति आता है और आस्तिक स्वामी के प्रभाव की वजह से, उनके चमत्कार की वजह से, उनकी अपूर्व शक्ति की वजह से यहाँ आए हुए व्यक्ति के ऊपर से सर्प का असर, सर्प का विष खत्म हो जाता है। जय आस्तिक स्वामी। Yeah.